आज हम इस एपिसोड में एलिमेंट्री ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकॉन को ऑल क्लिक करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना है। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास कंपास चाहिए, उसे राउंडर भी बोलते हैं, उसके साथ साथ स्केल चाहिए, पेंसिल चाहिए, इस प्रकार के ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना आवश्यक है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उस क्वेश्चन को आपको समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट सब बेसिक कंस्ट्रक्शंस, एग्जांपल थर्ड, टू डिवाइड अ गिवन लाइन इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन, डिवाइड लाइन एबी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। हिंदी उदाहरण, विभाग पहला, कुछ मूलभूत कृति, उदाहरण तीसरा, दिए गए रेखा के जितने चाहो उतने समान भाग करो। प्रश्न, रेखा एबी 8 सेंटीमीटर निकालकर उस रेखा के समान 6 भाग में विभाजन कीजिए। मराठी प्रश्न, 8 सेंटीमीटर लंबीचा रेशा एबी चे 6 समान भाग करा। इस प्रकार से थर्ड क्वेश्चन हमने इंग्लिश और हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमें एक लाइन लेनी है एबी, उसका डिस्टेंस लेना है 8 सेंटीमीटर। यह डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इस लाइन को ए और बी ऐसा नाम देकर इसका 8 सेंटीमीटर ऐसा डिस्टेंस यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हमें कंपास राउंडर लेना है और इसकी मदद से यहाँ प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पर एक एंगल नहीं करना है, तो राउंडर कंपास की मदद से हमें ये पॉइंट पर एक एक्यूट एंगल करना है, यानी लघुकोण करना है। वो किसी भी एंगल का, किसी भी डिग्री का हमें निकालना है और एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। ये पॉइंट पर हमें राउंडर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रख के एबी लाइन के ऊपरी वाले हिस्से पर एक ऐसा आर्क बनाना है। इस प्रकार से उसी डिस्टेंस से हमें बी पॉइंट से एक आर्क निकालना है, इस प्रकार से। उसके बाद ये दोनों आर्क ए बी लाइन को जहाँ पर क्रॉस कर गए वहाँ पर पॉइंट को हमें डार्क करना है, इस प्रकार से। उसके बाद आपको केयरफुली से ए और बी पॉइंट पर लिए गए एक्यूट एंगल एक ही डिग्री के लेने हैं। यह बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपसे गलती हो गई तो आपके ए बी लाइन के समान इक्वल पार्ट नहीं हो सकते हैं, तो ये बात आपको केयरफुली ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिला है उस पॉइंट पर कंपास का, राउंडर का पॉइंट रखकर कंपास में हमें अंतर ज़्यादा नहीं लेना है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं लेना है, वो डिस्टेंस हमें अप्रॉक्सीमेटली लेना है। और यहाँ पर इस आर्क पर ऐसा एक दूसरा आर्क बनाना है, इस प्रकार से, वही डिस्टेंस से। ये डिस्टेंस चेंज नहीं करना है। इस पॉइंट से नीचे इस आर्क पर, यहाँ पर रखकर इस आर्क पर हमें एक दूसरा आर्क बनाना है। ये दोनों आर्क एक दूसरे को जहाँ पर क्रॉस कर गए हैं वहाँ पर पॉइंट लेने हैं। उस पॉइंट को और बी पॉइंट को केयरफुली से जोड़ना है, इस प्रकार से। यहाँ पर भी ए और इस मिले हुए पॉइंट को केयरफुली से जोड़ना है, इस प्रकार से। यहाँ हमें जो एंगल मिले हैं उसे नाम देना है, यहाँ सी और यहाँ पर डी। सी ए बी यहाँ पर एक
एक्यूट एंगल मिल गया और ए बी डी यहाँ पर दूसरा एक एक्यूट एंगल मिल गया। उसके बाद एसी लाइन पर हमें ए पॉइंट से 6 पार्ट्स एक समान बनाने, 6 पार्ट बनाने हैं। यहाँ पर हमें कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेकर 6 पार्ट बनाने हैं, उसका मार्किंग करना है। कंपास लिया, कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लिया, पहला मार्क किया, उसके बाद दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला, पांचवे वाला और छठे वाला, ये 6 पार्ट्स हो गए। अंतर कंपास में डिस्टेंस वही रखना है और बी पॉइंट से उसी तरह से हमें 6 मार्क करना है और ये 6 वाला 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये 6 वाला और ये नंबर ए वाला, इसे हमें जोड़ना है इस प्रकार से। इसे जोड़ना है, ये पॉइंट को जोड़ना है, बाद में ये वाला, इस प्रकार से हमने एबी लाइन के इक्वल 6 पार्ट बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आपको केयरफुली काम क्या करना है, तो ये पॉइंट और इधर का लास्ट वाला पॉइंट, इसको जोड़ना है। यहाँ पर आप गलती कर बैठे तो आपका यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा और यहाँ पर आपको मार्क नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान में रखना है। इधर का ये वाला और यहाँ का लास्ट वाला, इधर का बी और इधर का लास्ट वाला, ऐसे सामने वाले पॉइंट जोड़ते जाना है। और आपको दूसरा एक यहाँ पर केयरफुली ख्याल करना है, दोनों लाइन में का अंतर जो है, डिस्टेंस जो है, वो पैरेलल डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन है। इस प्रकार से हमने रेखा एबी के 6 इक्वल पार्ट बनाए हैं। इस प्रकार से आप 3 5 6 7 9 10 ऐसे कितने भी इक्वल पार्ट इस प्रकार से आप बना सकते हो। आज का यह क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।